हेलो गाइस, तो टेक्निकल लवर्स क्या हाल चाल है। एक मोबाइल में दो जीमेल अकाउंट कैसे बनाएं, एक फोन में दो ईमेल आईडी कैसे बनाएं। चलिए दोस्तों, यही देखने वाले हम लोग किस तरह से दोस्तों यहां पर मल्टीपल अकाउंट आप लोग जीमेल आईडी के बना सकते हो। चलिए देखते हैं। सिंपल दोस्तों, यहां पर देखिए आपको अपना जीमेल एप्लीकेशन ओपन करके लेना है। और चलिए यहां पर इसे मैं जीमेल आईडी ओपन करके ले लेता हूं। जैसे ही दोस्तों जीमेल अकाउंट ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से आपके सामने जीमेल अकाउंट पुराना वाला आएगा। तो अभी क्या करना है दोस्तों, नया बनाने के लिए साइड में आप लोग को एक लोगो दिखाई दे रहा है, तो सिंपल इस लोगो के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे, एक ऑप्शन यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा, ऐड अनदर अकाउंट। तो सिंपल हमें क्या करना है, ऐड अनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख रहे गूगल का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ले लेना है। चलिए गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका मोबाइल का कोड मांगेगा, तो आपको मोबाइल का कोड इंटर करना है। चलिए मैं कोड इंटर कर देता हूँ। और दोस्तों इस तरह से कुछ आपके सामने पेज आएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको दूसरा ईमेल आईडी बनाने के लिए सिंपल नीचे क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है। तो सिंपल क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। और फर्स्ट में आपको दोस्तों एक ऑप्शन दिखेगा, फॉर माय पर्सनल यूज। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, फॉर माय पर्सनल यूज के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते। अभी दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर पहला आपको पूछ रहा है, पहला नाम आपको इंटर करना है, फर्स्ट नेम, और नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है लास्ट नेम। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फटाफट फर्स्ट नेम यहाँ पर इंटर करके ले लेते हैं। सिंपल दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नाम अपना लिख के ले लेंगे। तो चलिए मैं मेरा नाम यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, और नीचे आपका दोस्तों जो भी सरनेम में, जो भी जिस नाम पे आप लोग बनाना चाहते हैं वो नाम इंटर कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर खान इस तरह से इंटर कर देता हूँ। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, आयान खान से मुझे ईमेल आईडी बनानी है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, अभी ये नाम और मेरा सरनेम डालने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। चलिए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बर्थ डेट पूछ रहा है, तो जो भी आपका बर्थ डेट हो वो आपको इंटर करना है। अगर नहीं पता तो कोई भी आप लोग कॉमन एक बर्थ डेट दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका बर्थ डेट है वो आपको यहाँ पर देना है। नीचे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं जेंडर बता रहा है, तो आपको यहाँ पर जेंडर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसे कुछ ऑप्शन आता है दोस्तों, अगर लड़की हो तो फीमेल के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर बॉय हो तो मेल के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं मेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, और सिंपल यहाँ से हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पर आपका ईमेल आईडी जो इंटर हो करना है, आपको जो भी आपका नाम और सरनेम आपने स्टार्टिंग में डाला था वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। पेज पे आने के बाद दोस्तों आपका जो स्टार्टिंग में आपने फर्स्ट नेम डाला था और लास्ट में जो खान डाला था वो आपको दो, इस पेज पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो फर्स्ट नेम आपने डाला था और लास्ट नेम डाला था वो आपको इंटर करके ले लेना है। चलिए यहाँ पे मैं आयान डाल देता हूँ, और यहाँ से मैं खान डाल देता हूँ, और सिंपल हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए ये नाम नहीं ले रहा है, ये किसी का ऑलरेडी नाम है, तो मुझे कुछ यहाँ पर आगे नंबर डालना होंगे या फिर कुछ यहाँ पर चेंजेस करना होगा मेरे नाम के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, आयान खान और फिर से एक बार खान लिख लेता हूँ। कुछ यहाँ पर डिफरेंट आपको करना है, यहाँ से मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ, 5544, और सिंपल हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये भी दोस्तों यहाँ पर किसी का ईमेल आईडी है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ अभी अलग यहाँ पर डिफरेंट करने वाले, जैसे कि आगे मैं आगे DY इस तरह से लगा देता हूँ। चलिए आप लोग देख रहे हैं कुछ मैं चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको भी कुछ इस तरह से नाम आएगा तो आपको ईमेल आईडी में चेंजेस करके ले लेना है, और सिंपल हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा ईमेल आईडी ले चुका है। अभी सिंपल हमें यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करना है, जो कि स्ट्रांग होना चाहिए। तो पहले आपको नेम डालना है, फिर नंबर डालना है, फिर अल्फाबेट कुछ आप लोग इंटर कर देना। तो दोस्तों मैंने मेरा पासवर्ड इंटर कर लिया है, आपको भी स्ट्रांग पासवर्ड डालना है। तो चलिए सिंपल हम लोग ये पासवर्ड इंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपल दोस्तों इस तरह से कुछ पेज आएंगे आपके सामने अभी, और आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, और यहाँ से स्किप के ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हो या फिर SIMIN के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्किप पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए ये ईमेल आईडी आपका रेडी हो चुका है, सिंपल आप लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट के ऊपर हम लोग क्लिक कर दे। अभी इस तरह से कुछ तो कुछ पेज आ रहा है आपके सामने, स्क्रॉल डाउन करना है आपको, नीचे की तरफ जाना है और एग्री के ऊपर क्लिक करना है। चलिए एग्री के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और आप लोग देखेंगे दोस्तों ये ईमेल आईडी आपका बन चुका है, रेडी हो चुका है। आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है,
और चलिए यहाँ पर मेरा पुराना वाला ईमेल आईडी आया है, अभी जो नया हमारा ईमेल आईडी बना है वो किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे देखिए। सिंपल यहाँ से लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे और आप लोग नीचे देखेंगे अयान खान करके एक ईमेल आईडी बन चुकी है, तो सिंपल उस ईमेल आईडी के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। आप लोग देख रहे हैं यही मेरी ईमेल आईडी है न्यू वाली। देखिए कुछ मेल भी मुझे यहाँ पर आ चुका है जीमेल के द्वारा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग एक ही मोबाइल में दो ईमेल आईडी बना सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट में, पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।